दोस्तों, दुनिया भर के देशों में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब टैक्सेस लगाए गए हैं। जैसे कि बांग्लादेश में अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ट्यूशन फीस तो वैसे ही पे करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 15% VAT भी पे करना पड़ेगा। ये VAT एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पे लगाया गया। अगर ये टैक्स आपको सुनने में अजीब लग रहा है तो अगला इससे भी ज्यादा अजीब है। साल 2017 में साउथ कोरिया पहला देश बन गया एक रोबोट टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला। ये टैक्स उन मशीनों पर लगाया जाता है जो ऐसे काम करती हैं जो इंसान कर सकते हैं और जो मशीनें इंसानों को रिप्लेस करने लग रही हैं। असल में बात क्या है, ऑटोमेशन की वजह से बहुत से ऐसे काम जो इंसान करते थे पहले, अब वो मशीनें करने लग रही हैं। लेकिन इंसान लोग तो इनकम टैक्स पे करते थे और मशीनें कोई टैक्स पे नहीं कर रही हैं, तो इसलिए साउथ कोरियन सरकार ने सोचा इन रोबोट्स पर भी टैक्स लगाना चाहिए। इससे कंपनीज कम इनकरेज हुए मशीनों को इस्तेमाल करने में और इंसानों को ज्यादा नौकरियां मिल सके। अच्छा, एक और फन फैक्ट, डेनमार्क जैसे देशों में काउ टैक्स लगाया जाता है। अगर आपके पास गाय है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा।